गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा टेरिडोफाइट्स। इससे पहले हम थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स पढ़ चुके हैं। तो लोअर ग्रुप में यानी जो हमारे क्रिप्टोगेम्स हैं, जहाँ पे हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्लावर्स नहीं दिखते हैं, तो उनका ये लास्ट ग्रुप है। और ये ब्रायोफाइट्स से कैसे डिफरेंस है उनको भी हम डिस्कस करते जाएंगे साथ में। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए लास्ट तक, ताकि आपको ये रटना ना पड़े। आप इसको एक बार देखें और आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम? फर्न्स एंड हॉर्सटेल, फर्न्स एंड हॉर्सटेल्स। अब हम बात करते हैं कि ये इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है पहले। तो अगर हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इसको किस कैसे यूज किया जाता है? मेडिसिनल प्लांट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, और कैसे यूज किया जाता है? ऑर्नामेंटल, लोग इसको अपने घरों में लगाते हैं खूबसूरती की वजह से, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में इसको यूज किया जाता है। और सॉइल बाइंडर्स, सॉइल बाइंडर्स। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में किस तरह से यूज हो रहे हैं? मेडिसिनल प्लांट के फॉर्म में यूज हो रहे हैं, ऑर्नामेंटल क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं देखने में, लगते हैं तो लोग इनको अपने घरों में लगाते हैं, तो ऑर्नामेंटल प्लांट के फॉर्म में यूज होते हैं। सॉइल बाइंडर्स, जैसे हमारे ब्रायोफाइट्स भी थे कि बिल्कुल कारपेट की तरह वहां लग जाते हैं तो सॉइल इरोजन नहीं होने देते, उसी तरह से ये भी सॉइल बाइंडर में हेल्प करते हैं, सॉइल इरोजन नहीं होने देते। अब आता है कि इनकी हैबिटेट क्या है, कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये भी कूल, कूल डैम्प शेडी प्लेस में मिलते हैं, कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस में मिलते हैं, और ज्यादातर यहीं पे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ब्रायोफाइट्स को भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, सेम वैसे ही टेरिडोफाइट्स को भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। इसीलिए ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की जो ग्रोथ है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है, कुछ लिमिटेड रीजन तक ही होती है। ज्योग्राफिकल रीजन ही हम उसका देखें अगर, तो ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए, रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेड जो जगह है वहीं के लिए रिस्ट्रिक्टेड रह जाते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पे रहेंगे जहाँ पे आसपास कहीं इनको मॉइस्चर मिलता रहे, क्योंकि इनकी वाटर की रिक्वायरमेंट है। कुछ होते हैं जो ज्यादातर तो कूल डैम शेडी प्लेस पे होते हैं, कुछ जो है सैंडी सॉइल में भी देखने को मिल जाते हैं, कुछ सैंडी सॉइल में भी फ्लरिश कर लेते हैं, कुछ जो है सम जो है वो सैंडी सॉइल में भी फ्लरिश करते हैं, नहीं तो ज्यादातर कूल डैम शेडी प्लेसेस में देखने को मिलते हैं। तो दो चीजें हो गई, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमने देख ली, इसका हमने हैबिटेट देख लिया। अब आता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरिडोफाइट्स क्या कहलाते हैं? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ये डिफरेंस आ गया, उनको हम बोल रहे थे एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ये हमारे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं। अब फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है तो इसके लिए ब्रायोफाइट्स के अंदर वास्कुलर टिश्यू की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि वो बिल्कुल पानी के पास में ही था और वो छोटे थे। ये टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे आ गए हैं, जब लैंड पे आ गए हैं तो इनके अंदर वास्कुलर टिश्यू की रिक्वायरमेंट है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वास्कुलर टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि ब्रायोफाइट में नहीं था। वास्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोयम, फ्लोयम फॉर फूड एंड जाइलम फॉर वॉटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो क्योंकि लैंड पे आ गए हैं तो लैंड पे ये तभी आ सकते हैं जब इनके अंदर वास्कुलर टिश्यू हो, ताकि ये फूड को और वॉटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो इसके लिए इनके पास क्या प्रेजेंट है? वास्कुलर टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लोयम। जाइलम किसके लिए? वॉटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट के लिए, फ्लोयम फॉर फूड। अब ये लैंड प्लांट है तो इसका मतलब इनके पास ट्रू रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट है। पहला डिफरेंस यहाँ आपको देखने को मिला, दूसरा डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिला, तीसरा डिफरेंस ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। ट्रू रूट स्टेम लीफ यानी जो प्लांट बॉडी है वो ट्रू रूट स्टेम
लीफ में डिवाइड होती है, यानी इसके पास ट्रू रूट है, ट्रू स्टेम है, ट्रू लीफ है, जबकि ब्रायोफाइट्स के पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी। तो तीसरा डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिला कि ट्रू रूट स्टेम लीफ इसमें प्रेजेंट है। अब आगे चलें, तो आगे क्या डिफरेंसेस हैं, आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया आपको सारा। अब जो इसकी मेन प्लांट बॉडी है, वो मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हमने ब्रायोफाइट्स में क्या पढ़ा था, मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, गैमेटोफाइट यानी गैमेट प्रोड्यूसिंग यानी हैप्लॉइड। पर पेरिडोफाइट्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो है स्पोरोफिटिक, स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइटिक आप बोल सकते हो या स्पोरोफाइट बोल सकते हो यानी डिप्लॉइड। उसके अंदर क्या थी, गैमेटोफाइटिक, ये है स्पोरोफाइटिक यानी स्पोर प्रोड्यूसिंग। तीसरा चौथा डिफरेंस आपको दिखाई है, तीन डिफरेंस बता चुकी हूँ, ये फोर्थ डिफरेंस है। इसकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है यानी स्पोर प्रोड्यूसिंग है, डिप्लॉइड है, वो गैमेटोफाइटिक थी तो हैप्लॉइड थी, ये डिप्लॉइड है। ये हो गया फिफ्थ डिफरेंस कि ये डिप्लॉइड है, वो हैप्लॉइड थी। तो पांच डिफरेंसेस आ गए। अब ये स्पोरोफाइटिक है और इसके अंदर दो तरह की लीव्स होती हैं, जो इसकी लीव्स हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, जो छोटी होती हैं उनको बोलते हैं माइक्रोफिल्स, माइक्रोफिल्स यानी स्मॉल। देखो माइक्रो का मतलब स्मॉल, फिल्स मतलब लीफ, ठीक है, यानी स्मॉल लीफ, स्मॉल लीफ। तो ये स्मॉल लीफ किसमें देखने को मिलती है, ये स्मॉल लीफ देखने को मिलती है सेलेजिनेला में, सेलेजिनेला में बिल्कुल इस तरह से छोटी 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 लीफ ऐसे देखने को मिलती है, बिल्कुल जरा जरा से इस तरह से। दूसरी जो बड़ी होंगी वो कहलाएंगी मैक्रोफिल्स, फिल्स मतलब लीफ, मैक्रो मींस लार्ज, जो मिलती है देखने को फर्न्स के अंदर। फर्न्स के अंदर कैसी होती है, मैक्रोफिल्स, ठीक है। अब ये क्योंकि स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है, तो स्पोरोफाइटिक है तो स्पोर प्रोड्यूस करेगी, और जब स्पोर प्रोड्यूस करेगी तो उसके अंदर स्पोरेंजिया होना चाहिए। भाई स्पोरेंजिया के अंदर आप पढ़ चुके हैं ना ब्रायोफाइट्स में कि स्पोरोफिटिक जो प्लांट, जो वहां पे स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजिया होता है जहां पर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पर भी जो स्पोरेंजिया होना चाहिए। तो अगर हम फर्न की लीफ की बात करें तो इस तरह से इसकी थोड़ी बड़ी लीफ होती है इस तरह से, और उसमें जो है अगर हम लीफ की बात करें इस तरह से होती है इसकी, और तो यहाँ पर क्या होता है इसमें इस तरह से छोटे छोटे जो है सोराई लाइक, सोरस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी आप स्पोरेंजिया याद रखिए कि इस तरह से ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, यानी जो मेन लीफ हो गई इसकी फर्न की, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल्स, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, ये स्पोरेंजिया, तो ये क्या कहलाती हैं, स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोरेंजिया, यानी जो जहां पर ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट है वो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है, स्पोरोफिल्स, यानी स्पोरेंजिया सबटेंडेड बाय लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोफिल्स। वहां पर उससे ये पूरा मतलब कवर रहता है, जो ये स्पोरोफाइट जो है वो कवर रहता है किससे, लीफ से, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स, ठीक है। तो ये हो गई स्पोरोफिल्स, और इसके अंदर इस तरह से स्पोरेंजिया होते हैं, और ये स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगी, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल, और ये स्पोर मदर सेल मियोसिस करके क्या बनाएगी, स्पोर्स, ठीक है, मियोसिस करके क्या बनाएगी, हैप्लॉइड स्पोर्स। यानी आपको समझ में आया कि जो ये लीफ है इसकी बेसिकली फर्न की, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल्स, और उस स्पोरोफिल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया, इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स हैं, और ये स्पोर मदर सेल्स मियोसिस करके क्या बनाएंगी, स्पोर्स बनाएंगी, और ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, ये स्पोर जर्मिनेट करेगा, ठीक है, जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको बोलेंगे प्रोथे,
थैलस, प्रोथैलस, ये ध्यान रखना है, इसको बोलेंगे हम प्रोथैलस। वहां पे क्या था, वहां पे ब्रायोफाइट्स के अंदर प्रोथैलस था? नहीं। वहां पे आपने क्या पढ़ा था, वहां पर जब जर्मिनेट हो रहा था तो सबसे पहले था प्रोटोनीमा, और यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोथैलस। तो ये प्रोथैलस क्या होगा, प्रोथैलस कौन सी जगह पे ग्रो कर, ये प्रोथैलस कैसा होगा, स्मॉल इनकॉन्सिपिक्यूस, यहाँ दिखाई नहीं देगा, मतलब छोटा होगा, दिखाई भी नहीं देगा, मल्टी सेलुलर होगा, फोटोसिंथेटिक होगा और थैलॉइड होगी इसकी बॉडी। कैसा होगा, ये इसके फीचर है सारे, स्मॉल इनकॉन्सिपिक्यूस, मल्टी सेलुलर, फोटोसिंथेटिक, थैलॉइड, ठीक है। और ये ग्रो करेगा कौन सी जगह पे, वही डैम, कूल, शेडी प्लेसेस में। कहाँ ग्रो करेगा, डैम, कूल, शेडी प्लेसेस में, क्योंकि जहां पर थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट देखने को मिले। इसीलिए मैंने बताया कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट की वजह से इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। तो ये बात क्लियर हुई कि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, स्पोरोफाइटिक यानी डिप्लॉइड। तो तीन डिफरेंस वहां थे, कौन कौन से डिफरेंस हमने पढ़ लिए, वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट, दूसरा वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, तीसरा ट्रू रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट, फोर्थ स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, उसमें थी गैमेटोफाइटिक यानी हैप्लॉइड, यहाँ पे क्या आ गई, डिप्लॉइड। दो तरह की लीव्स है, छोटी जो लीव्स है उनको बोलते हैं माइक्रोफिल्स, जो प्रेजेंट है सेलेजिनेला में, और जो बड़ी लीव्स है उनको बोलते हैं मैक्रोफिल्स, जो बड़ी वाली लीव्स हैं उनको बोलते हैं मैक्रोफिल्स, मैक्रो मतलब लार्ज, फिल्स मतलब लीव, जो फंड में देखने को मिलती हैं। अब जब मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है, इसका मींस उसमें स्पोरेंजिया होने चाहिए, तो जो फंड है, फंड की लीव के अंदर ऐसे जो है ये, हाँ एक चीज और यहाँ आपको बताना है, तो ये स्पोरेंजिया जो है वो लीव लाइक स्ट्रक्चर से पूरा ऐसे लीव से अंदर कवर रहते हैं, तो जिसको इसकी जो लीव है फंड की, इसलिए वो कहलाती है स्पोरोफिल्स। लीव को, फंड की लीव को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे स्पोरेंजिया, और ये स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स होगी जो मियोसिस करके स्पोर्स बनाएगी। यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि जो कुछ कुछ के अंदर क्या होता है, ये जो स्पोरोफिल्स है बिल्कुल कॉम्पैक्टली स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कोन की तरह से, इस तरह से कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कॉम्पैक्टली, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी और कोन्स, स्ट्रॉबेरी और कोन्स, इसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी और कोन्स, किसमें, एक्यूसिटम एक्यूसिटम में एंड सेलेजिनेला में, एक्यूसिटम एंड सेलेजिनेला में क्या होता है कि जो ये स्पोरोफिल्स हैं वो कॉम्पैक्टली स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी और कोन्स, ठीक है। और ये किसमें देखने को मिलता है, सेलेजिनेला में एंड इक्विसिटम में। बाकी हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा था, जो फंड की लीव थी वो स्पोरोफिल्स, जिसके अंदर स्पोरिंजिया प्रेजेंट था। जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, प्रोथैलस। ये प्रोथैलस स्मॉल इनकॉन्सिपिक्यूस, मल्टी सेलुलर, फोटोसिंथेटिक, थैलॉइड स्ट्रक्चर है, जो कहाँ ग्रो करेगा, डैम, कूल, शेडी प्लेसेस में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हाफ पार्ट हो गया हमारा टेरिडोफाइट का। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी जो सेक्सुअल पार्ट है, यानी जो गैमेटोफिटिक पार्ट है, ये भी हमारा स्पोरोफिटिक था, उसको पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स।